वेलकम बैक टू मैथ्स कोर्स। हम जस्ट कुछ दिन पहले आपने पैरिस ओलंपिक्स को उठा लिया एंड एक प्रेस्टीजियस ड्रॉ पड़ी था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो किस तरह देखते हैं आप वर्ल्ड चैंपियन जाने से पहले, आप क्या सोचते हैं कि कोटा ऑलरेडी था उसमें, क्या चला आपके दिमाग में कि मेडल था या कोटा था, थोड़ा बताइए इसके बारे में। वेल डेफिनेटली दोनों का मुझे पता था कि हाँ इसमें कोटा मिलने वाला है एंड बीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस गेम एंड मेडल विल डेफिनेटली डू गुड। बट आई हैव बीन जस्ट मैं अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया कि मुझे बस अपना जैसे मैंने ट्रेनिंग करते आई हूँ जैसे जैसे प्लानिंग चलता आ रहा है मेरा वैसे मैं बस अपना परफॉर्मेंस करूँ एंड आई वाज फोकसिंग ऑन माय मैच डे का कैसे प्रिपरेशन क्या करना है कैसे प्लानिंग करना है उसको मैं बस ध्यान दिया एंड अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करा। अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें आपकी तो अब जाके टीम आप मतलब एक गोल्ड मेडल जीता तो एक जिंक्स खत्म हो गया कि हां एक गोल्ड मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप आपके लिए, वो कितना रिलीफ था आपके लिए? वेल डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल के लिए मैं काफ़ी साल मैं इसको गोल करते आई हूँ एम करते आई हूँ एंड डेफिनेटली हैविंग दैट वॉज अ वेरी रिलीफ फीलिंग फॉर मी। बट एट द सेम टाइम कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो गोल्ड के लिए मैं अगले बार डेफिनेटली ट्राई करूँगी। और एशियन गेम्स आने वाले कुछ दिन बाकी हैं तो उसके आप अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक्सपीरियंस को किस तरह आप उसमें यूटिलाइज करेंगे? डेफिनेटली वहाँ पे भी जैसे मैंने सीखा एंड कुछ कुछ पॉइंट मैंने अपने कोच के साथ डिस्कस करा उसी पे अभी मेरा काम चल रहा है एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई कि एशियन गेम्स में वो भी मैं मतलब जैसे जैसे पॉइंट्स आए वो मैं और बेटर करूँ और अपना और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूँ वहाँ पर। वेल अभी तक तो फिलहाल के लिए अच्छा जा रहा है मेरा जैसे डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी अच्छा चल रहे हैं मेरे तो डेफिनेटली अभी फिलहाल तो आई विल से कि हाँ जैसे जिस हिसाब से मैंने देखा था मेरा इस साल का परफॉर्मेंस उसी हिसाब से चल रहा है एंड आगे का भी बस ऐसे ही चलते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।